सिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना बीएसकेवाई रे सामिल हेबे 5 रु 18 वर्षर पिला बीएसकेवाई अंतर्भुक्त समस्त हिताधिकारी 5 रु 18 वर्षर पिलांकु ए योजना रे सामिल करा जिवो फळ रेणी कि 5 रु 18 वर्ष वयस भितरे थिबा हिताधिकारी पिला माने बीएसकेवाई रा सुविधा पाई परिवे। राज्य स्वास्थ्य विभाग एने समस्त अनुबंधित हॉस्पिटल को चिट्ठी लिखिछि आ सबुठु बडो कथा होछि कोनोसी खाद्य सुरक्षा योजना रे पिलांक ना नथिले बि एही सुविधा मिलिवो। हिताधिकारी बापा मा निज पिला भावे प्रमाण दे एही सुविधा भी नै पारिबे। पूर्वरु 5 वर्षरु कम पिलांकु बीएसके बार सुविधा मिलुनथिला। पसिला आदित्य एलवान रो प्रथम झलक आउ ट्वीट करी फोटो शेयर कला इसरो। सेप्टेम्बर 2 तारीख रे इसरो लॉन्च करबा को जाउची आदित्य एलवान जहां भारत रो प्रथम सूर्य अभियान हेबा को जाउची। सूर्य पृष्ठ रे उतिबा परिवर्तन विशेष करी सौर झड़ यहार प्रभाव संपर्क रे अनुध्यान करबो आदित्य एलवान। श्रीहरिकोटारु लॉन्च हेबो सत्य आदित्य एलवान तेबे 1.5 मिलियन किलोमीटर यात्रा करिवो एही महाकाशजन। सूर्य उपरे अध्ययन करिवो सैटेलाइट ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी बनिबाकु देशवासीको आह्वान दैछि इसरो। आदित्य एलवान रे 7टी पेलोड रहिछि जहां फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर सूर्यक बाह्य स्तर कोरोनार थिबा कणिका संपर्क रे अनुध्यान करिवो। संपूर्ण रूपे भारतीय ज्ञान कौशल रे निर्मित होइछि आदित्य एलवान। बेंगालुरु रे थिबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स आदित्य एलवान रो निर्माण रे प्रमुख भूमिका नेछि। सेपटे पुणे रो इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स भी पेलोड निर्माण रे सक्रिय अंशीदार रहिछि। सो जैसा कि इसरो ने अपने न्यूज उसमें भी बताया है कि आदित्य एलवान मिशन 2 सितंबर को अभी लॉन्च किया जाएगा सुबह 11:50 पे। तो जैसा पहले मैंने बताया था कि वो लॉन्च पैड पे खड़ा है तो उन्हें उसकी तारीख और एग्जैक्ट सेट करना था तो 2 सितंबर लगभग निश्चित ही थी और उसमें अभी 11:30 पहले अनुमान था उस अभी 11:50 पे वो प्रक्षेपित किया जाएगा और उसकी सब फॉर्मेलिटीज अभी कंप्लीशन पे है और हम 31 तारीख को उसकी जो लीली झंडी है वो भी दिखा देंगे। उसको लॉन्च करने की जो फाइनल ऑथोराइजेशन होता है लॉन्च ऑथोराइजेशन बोर्ड हमारा वो उसका क्लियरेंस भी दे देगा ऐसी संभावना है जिसके कारण हम 2 तारीख को आदित्य एलवान का प्रक्षेपण कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद भी हमको लंबा समय तय करना है। तो प्रक्षेपण तो एक माइलस्टोन है एक उसका चरण है उसके बाद कई माइलस्टोन पार करते हुए हमको आदित्य एलवन को एलवन ऑर्बिट में पहुंचाना है और जिसको हेलो ऑर्बिट कहा जाता है और वो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर। तो ये सब चैलेंजेस हमारे सामने हैं जिसको वहां तक पहुंचाने का है लगभग 147 दिन जैसे लग जाएंगे और उसके बाद उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करके उसको वहां पे स्थापित करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही भगीरथ कार्य है और इसरो पहली बार ये कर रहा है। हालांकि हमको अभी चंद्रयान और मंगलयान के अनुभव है तो उसके बेसिस पे ये बीड़ा उठा है तो हमें पूरी आशा है कि इस बार भी हम अच्छी तरह से मिशन को सक्सेस कर पाएंगे और फिर करीब 5 साल तक ये डेटा देता रहेगा। हमको सूर्य के बारे में स्टडी जो कंटिन्यूस हमको करना है उसकी संभावनाएं रहेगी और उनको कुछ नई जानकारी अभी मिलेगी ऐसी आशा है। समय को ब्रेक रो ब्रेक परे आगो को देखिबा प्रायोजक भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। चर्चा रे पाकिस्तान रु भारत आसीथिबा सीमा हैदर न्यूज 18 को देले सुपर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार। स्वामी सचिन को सर्च केबिति चली छि जीवन भारत पाकिस्तान को नै रखिले मत। कमिंग अप प्रायोजक भारत मसाला The taste of new India. चार्ज डे अफेयर्स ही हाई कमिशन ऑफिसर नेतृत्व अजय बिसारिया ही इस्लामाबाद रे थिले शेष भारतीय हाई कमिशनर।
ଷଷ୍ଠରେ ମିଳିଲା ଅମ୍ଳଜାନର ସନ୍ଧାନ। ତା ସହ ସଲଫର, ଆଲୁମିନିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଆଇରନ, କ୍ରୋମିୟମ, ଟାଇଟାନିୟମ, ମାଗ୍ନେସିୟମ, ସିଲିକନ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭରରେ ଲାଗିଥିବା ଲେଜର ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପ, ଏଲ୍ଆଇବିଏସ୍ ଏହିସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି। ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନରେ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ଆଇବିଏସ୍, ଅନ୍ୟ ହେଉଛି ଆଲ୍ଫା ପାର୍ଟିକଲ ଏକ୍ସରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର। ଏହି ଦୁଇ ପେଲୋଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ଧାନ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଇସ୍ରୋ। ଶସ୍ତା ହେଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଏଣିକି ମିଳିବ 400 ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି। ବର୍ଷକୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମିଳିବ 200 ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି। ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା 200 ଏବଂ ଏବେର 200 ମିଶାଇ 400 ଟଙ୍କାରେ ରିହାତି ମିଳିବ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ମିଳିବ 200 ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି। ସବ୍ସିଡି ବୃଦ୍ଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଦେଶର 35 କୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ଆସନ୍ତା 31ରୁ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍କେଲାକୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଏଟିସିରୁ ପାରାଲାଲ୍ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା 1 ମାସ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚାଲିବ, ସଫଳ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ବିମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବିଏଚ୍ଇଏଲ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏହାକୁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲିଆସିଲେ ଭାରତ, ସାଥିରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଧରି ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସଚିନଙ୍କ ସହ କେମିତି ଚାଲିଛି ଜୀବନ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସବୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସୀମା ହାଇଦର। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର କିଶୋର ଆଜୱାନୀଙ୍କୁ ସୀମା କହିଛନ୍ତି କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। कई महीनों से आप सब सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, उनके साथ हैं उनके वकील एपी सिंह साहब। सिंह साहब स्वागत है आपका, और सीमा स्वागत फिर से आपका। तो सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या स्टेटस है, आप नागरिकता मांग रही थी, अभी उसमें क्या हुआ? इसका जवाब तो मेरे वकील साहब ही देंगे, मेरे भाई मेरे वकील साहब, क्योंकि हमारा केस इनके पास है तो इनको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी। जो पहले एक बार पूछताछ हुई थी एटीएस से, उसके बाद से अब तक क्या हुआ? अब तक अब हम गए तो नहीं, पर पूछताछ फिर भी चल रही है। यहाँ आते हैं कुछ लोग पूछने के लिए, यहाँ बुलाते भी हम चले जाते हैं। ये किस तरह की पूछताछ होती है? यही आने की, कैसे आई, क्या हुआ, ये सारे सवाल जो पहले से होते आते वही सवाल चलते हैं, वही बार बार पूछा। जी बिल्कुल, मतलब गहराई से ये कौन, या कोई चीज़ मिलते कि ये क्या है, कैसे हुआ, कौन है। मैं सिर्फ आपसे इसमें ये जानना चाहता हूँ, देखिए ये भारत में रहने के लिए हिंदू होना, नागपंचमी मनाना, ये सब करना तो जरूरी नहीं है। भारत में तो आप हिंदू ना भी हैं तब भी रह सकते हैं। भारत में जगह मांगना, भारत की नागरिकता मांगना, उसके लिए हिंदू और हिंदू रीति रिवाज बनना और रक्षाबंधन की बात करना, ये तो कोई जरूरी नहीं था। ये क्यों किया फिर आप? मैंने ये दिखाने के लिए नहीं करा सर, और मैं ये अब नहीं कर रही। दुनिया तो ये मानेगी ना कि दिखाने के लिए। मैं तो अब आई हूँ, ठीक सर, मैं जब कैमरे में नहीं थी, जब मैं इनकी पत्नी थी तब भी मैं ये सब करती थी, जब मैं पाकिस्तान में करवा चौथ मनाती थी तब भी मैं ये करती थी। कैमरे में तो ये किस्मत की बात है, हम आ गए, ये हम वकील के पास गए, एक थे यहाँ पे उनके करीब में, तो हमने उनसे कोर्ट मैरिज की बात करी। मैंने अपने खुद उनको कागज़ दिखाया कि मैंने सर ये कागज़ है, मैं ऐसे ऐसे आई, मैंने वीज़े के लिए अप्लाई करी, ये चीज़ें मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा दूंगा। बाद में उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, कुछ भी कर दिया, क्योंकि हम कानूनी तरीका हमने तब भी चाहती थी, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, कानूनी तरीका हो। तो सर इसमें ये मतलब नहीं है कि मतलब मैं दिखाने के लिए, तब भी मैं मंगलसूत्र पहनती थी, तब भी मांग भरती थी, तब भी मैं जय श्री राम लेने के लिए नहीं, ये मेरा अपना मन है। मैं हिंदू धर्म से बहुत प्यार, बहुत शांति, बहुत सुकून मानती हूँ, मैं खुद बहुत प्यार करती हूँ। जितना जाना है इतना और अच्छा लग रहा है, इतनी सुकून और शांति मिल रही है, आगे जाने में पता नहीं क्या होगा, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ।